शादी, जिसके बाद से ही न जाने एक नया जोड़ा कितने सपने सजाता है, कितने ख्वाब पालता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि सुहाग रात की रात पे ही एक शख्स की मौत हो जाती है और पिछले 9 महीने से उसकी मां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। वजह क्या है, आप जानकर चौंक जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक नए जोड़े की सुहागरात होती है। और सुहागरात की रात में ही जो दुल्हन होती है उसके पास एक फोन आता है। उस फोन के बाद से जो लड़का होता है वो मृत पाया जाता है थोड़ी दूर पे घर के। और उसके बाद से ही उसकी मां इंसाफ के लिए पिछले 9 महीने से भटक रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। कानपुर में सुहागरात ही एक दूल्हे की आखिरी रात बन गई। उसका कत्ल हो गया और कत्ल के बाद FIR तो हो गई, लेकिन 9 महीने से दूल्हे की मां अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मां का सीधा आरोप है कि सुहागरात के समय ही मोबाइल पर, दुल्हन के मोबाइल पर किसी का फोन आया और मैसेज आया था, जिसके बाद बेटा बाहर निकल गया और 20 किलोमीटर दूर उसकी हत्या की हुई बॉडी पाई गई। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ FIR भी लिखी, लेकिन 9 महीने बाद भी किसी हत्यारे का पता नहीं चला। 9 महीने उसको कोख में रखने वाली मां 9 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रही है। इन लोगों ने फिर से पुलिस कमिश्नर को अपनी शिकायत पत्र देकर हत्यारों को पकड़ने की मांग की है। इनका आरोप है कि बेटे की हत्या में उसकी पत्नी का भी हाथ है और इस मामले की पुलिस जांच करे। दरअसल कानपुर के घाटमपुर के रहने वाले सर्वेश की शादी 17 मई 2022 को पूनम से हुई थी। 18 तारीख की शाम को बारात के साथ दूल्हा विदा करके सर्वेश अपने घर लौट आया। दूसरे दिन 19 तारीख को रात को ही सुहागरात थी, लेकिन उसी दिन रात में सर्वेश का खात्मा हो गया और उसकी बॉडी घर से 20 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। उसके बाद पुलिस ने हत्या की FIR भी लिख ली, लेकिन 9 महीने बाद भी आज तक पुलिस किसी भी कातिल को पकड़ नहीं पाई है। मृतक युवक की मां अपने बड़े बेटे और बहू के साथ में दर दर की ठोकरें खा रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं। क्या कुछ कहना है मृतक की मां का, उनके आंसू, उनका दर्द, चलिए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहना है? हमारा लीलावती नाम, हमारा लड़का गया है, पता नहीं चल रहा इसका, मतलब 9 महीना हो गए। 27 का शादी भेजी, 28 के विदा, 17 मई का शादी भेजी और विदा 19 का मार्टम हो गया था। वहाँ बड़ी पाल में लाश मिली थी, न गाड़ी चला पाता था न कुछ हो। मैसेज आया था उस लड़की का, तो लड़की ही ने बहू का, तब तो बस वो चली गई थी। पूनम का नाम था, उसी के हाथ से या भाया, तब से पकड़ा नहीं गया कोई कातिल। वही मृतक के भाई क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। भाई भी है साथ में, से पूछते हैं क्या नाम है आपका, कब गायब हुआ था, कैसे गायब? 17 राजू सर, उसे 17-18-19 की जिस दिन सुहाग रात की, उसी दिन उसे वाइफ का हमें मैसेज आता है। मैसेज अब ये तो घाटमपुर थाने में मालूम होगा, मैसेज आता है सर। मैसेज भाई वो कहता है कि मसाला खाने जाता, बस उसी रात में लापता हो जाता। सुबह उसकी बॉडी मिलती है बरीपाली स्टेशन में। हाँ, हत्या की हुई थी सर, पकड़ा कड़ा नहीं गया सर कोई, नहीं सर। अब इधर कहीं इधर जाते हैं, कहीं कानपुर जाते हैं, कहीं इधर जाते हैं, घूमते घूमते किसी में परेशान है सर। 9 महीने हो गए एस पी ऑफिस गया तो वहाँ से वहाँ का, वहाँ से वहाँ, फिर इसके बाद कहना क्राइम ब्रांच में आपका केस चला गया, वहाँ गए क्राइम ब्रांच तो वहाँ मालूम चला कि नहीं अभी थाने में है। मृतक की भाभी ने भी पूरी घटना को अपने हिसाब से बताया है, वो क्या कुछ कह रही है, चलिए वो भी सुन लेते हैं। हमारा ये कहना है कि पूनम के साथ सर्विस की शादी हुई थी, उसी के फोन में मैसेज आता है और मैसेज के द्वारा ही उसी ने भेजा है पूनम ने सर्विस को। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग तो सोच रहे थे यहीं कहीं बैठा होगा, तो हम रात भर ढूंढते रहे घाटमपुर के आसपास, चक्कर लगाते रहे, ढूंढते रहे, फोन भी करते रहे उसके फोन में। 17 को शादी हुई थी, 18 को लौट के आई थी और 18 तारीख को जब लौट के बारात आई थी हमारे घर में, तो इसके फोन में फोन आता है, तो ये कॉल डिटेल से पता चलता है कि इसके फोन में 1867 बात हुई है रात में, मतलब 18 मई को रात में। फिर 19 तारीख का इसका सुहाग रात था, उसी के इस मैसेज आया इसके फोन में, तब इसी ने भेजा है पूनम ने हमारे देवर को। तो वो इस हत्या की FIR आपकी दर्ज हो गई है? हमारी हत्या की FIR दर्ज हो गई है, पर कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उस समय में पता नहीं था कि किसने मारा किसने नहीं मारा। जब उसकी एक कॉल डिटेल निकलती है तब हमको लगता है, पुलिस कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनाई हो रही है। वही इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो माँ है वो बार बार आरोप लगा रही है कि FIR हो गई है, 9 महीने हो गए हैं, लेकिन कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।
उसमें अभियोग दर्ज है और उसमें विवेचना चल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन को उसकी बॉडी मिली थी और उसमें और जो तथ्य हैं सारे तथ्यों को जरिए सर्विलांस और सब तथ्यों को इकट्ठा करके जो भी साथ पाए जा रहे हैं घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। इस संबंध में विवेचक को निर्देश दिया गया है। जरा सोच कर देखिए कि सर्वेश की माँ अपनी आंखों में कितने सपने संजो के अपनी नई बहू को लेकर आई होंगी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही उनका बेटा अर्धनग्न अवस्था में मृत पाया जाता है। उस माँ के सीने पर कितने जख्म होंगे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर सर्वेश का कातिल कौन है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कातिल क्यों नहीं लगा है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।